हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे गुना करना। गुना कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। तीन के पारा छः बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, तीन छक अठारह, अठारह के अठारह लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे अब संख्या नहीं है तो अब इसका काम हो गया का ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद इसका अब काम आएगा तो पाँच के पारा छः बार पढ़ना है और यहाँ पर देखिए ऐसे गुना का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। तो पाँच के पारा छः बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच छक तीस, ठीक है। अब आगे संख्या नहीं है, बस इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है तो आठ के आठ हो जाएगा, एक और जीरो जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा और तीन का तीन हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मैं इन्हें भी बनाता हूँ। दो के पारा दो बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, दो दुना के चार, दो दो से चार में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो चौके आठ। फिर उसके बाद आगे संख्या नहीं है, कट कूट लगा लीजिए इसे गुना का चिन्ह। फिर उसके बाद तीन के पारा दो बार पढ़ना है तो तीन दुना कितना होगा, तीन दुना के छः। फिर तीन तीन के पारा चार बार करना है, गुना करना है, ठीक है, चार में तीन से तो तीन चौके कितना हो जाएगा, तीन चौके बारह हो गया। अब संख्या आगे नहीं है, सभी को जोड़ लीजिए, चार के चार आठ, छः कितना हो जाएगा, चौदह, चौदह के चार हासिल एक, दो और एक हासिल लिया तीन और एक का एक। तो ए बच्चों आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। दो और ले लेते हैं, तो चलिए बच्चों इन्हें भी मैं बनाता हूँ, आप लोग वीडियो को रोककर बनाने की कोशिश करिएगा। तीन के पारा छः बार पढ़ना है तो कितना हो जाएगा, तीन छक अठारह। अब देखिए अब कोई भी अगला आगे संख्या नहीं है, तीन के आगे और इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है तो बस इतना ही हो गया, आपका फाइनली आंसर अठारह आ गया, ठीक है, तीन छक अठारह। इसमें मैं लगाइए भाग, सॉरी गुना करिए। जीरो का पारा एक बार पढ़िए तो जीरो का पारा एक बार पढ़िएगा तो जीरो होगा, जीरो का पारा पाँच बार तो जीरो, तीन का पारा एक बार तो तीन के कम तीन एकम तीन हो जाएगा, तीन का पारा पाँच बार पढ़िएगा तो तीन बचे पंद्रह हो जाएगा। सभी को जोड़िए तो जीरो के जीरो, जीरो तीन तीन, पाँच के पाँच और एक एक, तो फाइनल आंसर आपका आ गया पंद्रह तीस।